इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज से रियासती विंटर सेशन का आगाज तो हुआ, साथ में कन्नड़ मराठी तनाजा भी देखा गया। आज सुवर्ण साउथ के सामने कई एहतजाजात किए गए, जिसमें किसानों का एहतजाज भी रहा। अधिवेशन का पहला दिन ही हुकूमत के खिलाफ आवाजों को बुलंद होते हुए देखा गया। कर्नाटक का भाजपा हुकूमत के खिलाफ किसानों की जानिब से जोरदार एहतजाज करते हुए सुवर्ण साउथ को ही घेरने की कोशिश की गई। किसानों का एहतजाज सुलगते हुए देखा गया। कर्नाटक राज्य संघ और हसरू सेना के रियासती सदर चंद्रशेखर कुड्डोहली की निगरानी में एहतजाज किया गया। हीरे बागेवाड़ी टोल नाके से किसानों ने एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया। 3 काले कानूनों को मरकजी मोदी सरकार ने रद्द किया है, इसे रियासत में भी रद्द किया जाए। साथ में जमीन तरमीम कानून और गोकशी कानून को भी रद्द करने की मांग की गई। उधर कांग्रेस की MLA अंजलि निंबाड़कर ने खानापुर के तरक्कीयती कामों की तरफ हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने को लेकर भाजपा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जुलूस खानापुर से निकाला गया, जिसमें साबिक वजीर आला सिद्धरामैया भी शरीक हुए। कांग्रेस के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा आज हुई MES के लीडर दीपक दलवी पर कन्नड़ तंजीम की जानिब से कालिक पहुंचने को लेकर रही। आज MES की जानिब से महामेलावा का एहतमाम किया गया था और वही अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कर्नाटक हुकूमत की जुल्म ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करते रहे। वैक्सीन डेपो तिलकवाड़ी में आज कन्नड़ तंजीम कन्नड़ नव निर्माण पड़े के कारकुनों ने काली स्याही को इनके कपड़ों पर फेंका, यानी कि दीपक दलवी के कपड़ों पर फेंका और इनके चेहरे को भी काला किया। इसे लेकर मराठी आवाम में काफी गुस्सा देखा गया, जिसके बाद एहतजाजी जुलूस जिसमें किसी तरह की नारेबाजी न करते हुए तिलकवाड़ी पुलिस थाने में फरियाद दर्ज की गई। हासिल तला के मुताबिक समिति के कायद दीपक दलवी पर काली पोतने को लेकर कल बेलगाम बंद का ऐलान किया गया। MES के नौजवान का ही शुभम शेड़के ने मराठी नौजवानों को ललकारते हुए मराठी की अजमत के लिए किसी सियासी पार्टी के गुलाम न बनने का ऐलान किया। लिहाजा आज इस हादसे के बाद बेलगाम शहर में एक तरह से तनाव का माहौल देखा गया। बारहा इस तरह की वारदातें बेलगाम शहर में अमल में आती रहती है। कन्नड़ नव निर्माण पड़े के कारकुनान को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आई। महाराष्ट्र में भी इस बात को लेकर गुस्से का इजहार किया गया। लिहाजा शिवसेना लीडर विजय दीवाने कोल्हापुर से बेलगाम आने के लिए निकले थे, जिन्हें सरहद से ही कर्नाटक पुलिस की जानिब से वापस भेज दिया गया। MES की जानिब से वैक्सीन डिपो में हो रहे महामेला में शिरकत करने के लिए महाराष्ट्र से कई शिवसेना कारकुनान कर्नाटक सरहद से ही वापस भेज दिए गए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कुठेतरी थोडंसं बाजूला गेल्यानंतर लोकसमूहामधून बाजूला गेल्यानंतर हे जर हे लोक उद्योग करत असतील तर त्याचा निषेध करण्याच्या पलीकडे माझ्याकडे काही नाही। खरं लोकांनी शांतता पाळावी या अशा प्रकारानं आमची चळवळ थांबणार नाही, उलट आम्ही यशाकडे मोठ्या प्रमाणात वाटचाल करू। अभि देता माई महिलांना आमचे देत आहे, चलो जाओ कमर जाओ पर जाओ कमर में जाओ, क्या कर रहे आप, आपको हेल्प करने का सब कुछ करने का आप लोग ऐसा करते हैं, क्या हेल्प कर रहा है, क्या क्या है, क्या है, जोर से आप देखो बस मालूम है मेरे को बात करने का तरीका, देखो आप देखो आप देखो ठीक नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, भाई क्या बोल रहा हूं, हमारे बच्चों को ये मस्ती करेगा, नहीं मस्ती किया क्या, कोई भी मस्ती किया नहीं, कोई आपने आप भी किया क्या, वो सबको साहब आपके पास कितने बार कंप्लेंट दिया इसके बारे में, बोलो आप ही बोलो, कंप्लेंट दे दो बस, कंप्लेंट दे दो, 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 सर ये लोकशाही क्या है इथं आल्यानंतर जी घटना घडली त्याबद्दल तुम्हाला कल्पना आहे। त्या घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चाकडून कंप्लेंट काय नोंदवायचं आम्ही ठरवलं,
त्याप्रमाणे तुम्ही पोलीस स्टेशनलाही आलात. आता इथं रीतसर कंप्लेंट नोंद झालेली आहे, सगळ्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करायचं चाललंय. हा शर्ट त्यांनी जप्त करतात, मग हा शर्ट त्यांच्याकडे देऊन बनियनवर येण्यासाठी हे बॉडी बिल्डर नाही आहेत. एक विनंती आहे, बघा विनंती आहे ऐका साहेब, कोणीही काहीही दबाव आणला, काहीही प्रकार केला, मी माग हटणाऱ्या व्यक्ती नव्हे. गेलं पाहिजे याचा निषेध व्यक्त करणं. तिथनं मोर्चानं आम्हाला इथपर्यंत येणार देत नाही म्हणत असताना तुमच्या दबावाखाली, हे लक्षात ठेवा की तुमचा दबाव हा किती प्रचंड आहे. अधिवेशन सुरू असताना आम्ही इथं मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून पोलिसांनी घातलेला घाट आहे आणि त्यांनीच आम्हाला मेळावा यशस्वी करून दाखवला असं मी इथं नमूद करतो. कारण त्यांचा हा विरोध कशासाठी आहे तर मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून त्यांनी बेकायदेशीरित्या ते अधिवेशन घ्यायलेच असं मी म्हणणार. कारण बेळगाव हे मराठी माणसाचं आहे, कर्नाटक सरकारचं नाही, बेळगाव हे आमचं आहे, मराठी माणसाचं आहे, महाराष्ट्राचं आहे. हे ज्या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो सगळ्यांनी कुठेही जाऊ नका, याच ठिकाणी थांबायचं आहे. आज त्या लाल पिवळ्या बांडगुळांनी पोलीस संरक्षणात जो भ्याड हल्ला केला त्याचा निषेध आम्ही करणार नाही. कारण झोपलेल्या मराठी माणसांना आणि राष्ट्रीय पक्षात गेलेल्या लाचार मराठी माणसांना कुठेतरी त्यांचा स्वाभिमान जागे करण्यासाठी ते मदत करतायत. आज हा दुधाचा अभिषेक घालून आम्ही दळवी साहेब हे आजपर्यंत आपलं आयुष्य त्यांनी आमच्या प्रश्नासाठी खर्ची काढलेलं आहे, त्यांचं जीवन आता खऱ्या अर्थानं सार्थकी झालंय, ते आज खऱ्या अर्थानं लढवई आहे, त्यांची जी वृत्ती आहे ती त्यांनी दाखवून दिलेली आहे. त्यांनी जर मनात आणला असता तर त्यांनी त्यांची जागा दाखवली असती आणि त्यांनी म्हणूनच जाणून बुजून त्यांना बाजूला बोलवलं आणि एकट्यावर हा हल्ला केलेला आहे. आज मी इथं जाहीर त्यांचा परत एकदा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि मराठी माणसाला असं तुम्ही जागे करत राहा आणि कुठेतरी या इकडे तिकडे गेलेल्या आमच्या भरकटलेल्या युवकांना पण आणायसाठी तुम्ही खऱ्या अर्थानं तुम्ही आमचं सहकार्य करताय असं तुम्हाला मी परत एकदा धन्यवाद देतो. आज दळवी साहेबांचा जो अपमान झालाय तो समस्त सीमाभागासह अख्ख्या महाराष्ट्राचा त्यांनी अपमान केलेला आहे. या संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यांनी आजपर्यंत सक्षमपणे खांद्यावर पेलत मराठी माणसाची बाजू मांडत होते आणि माझं खास करून राष्ट्रीय पक्षात गेलेल्या तरुणांना आज आव्हान आहे, तुम्ही जर मराठी आईचं दूध पिऊन मोठे झालेले असाल तर उद्याच्या बंदला तुम्ही प्रतिसाद देऊन तयार करण्यात.
नाहीतर खऱ्या अर्थाने सिद्ध होईल की तुमच्या आईचं दूध हे नसकं होतं आणि तुम्ही मराठी आईच्या पोटाला जन्म लायचे.